जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस पार्क में पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अभी अभी यहाँ पे एक एम्बुलेंस आई है, इससे पता चलता है कि मामला बहुत संगीन है। कुछ ग्लोबल बिजनेस पार्क के एम्प्लॉयज यहाँ पे खड़े, आइए उनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि मामला क्या है। साले, ये करने आया था मैं बॉम्बे? बॉम्बे नहीं दत्ता, मुंबई। और करने तो ये कोई भी नहीं आता यहाँ पर। घर से सब यही सोच के आते हैं कि मुंबई आते हैं अमिताभ और शाहरुख का लोड शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ आकर होता है सच से सामना। वो तो होगा ही, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर बेवकूफ़ इस लोड को शेयर करने के लिए जिम में गधों की तरह वजन जो उठाते हैं। गुरुदेव, समय के साथ चलना पड़ता है, आज जो दिखता है वही बिकता है। गलत गलत सोच है तेरी मुकेश, इसीलिए आज तक तू एक तुच्छे से कास्टिंग एजेंट का छर्रा बना घूम रहा है। और ये गोपाल, प्रोडक्शन बॉय, तो आप ही बताइए प्रभु क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, एक्टिंग करने के लिए थोड़ी एक्टिंग सीख ले। आपने तो सीखी थी ना, और सिखाई भी, आपका क्या बना? बना नहीं तो बन जाएगा। मैं तुम लोगों की तरह हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आपको हार मानने की क्या जरूरत है, अपने हिस्से का किराया तो आपने 4 महीने से दिया नहीं है। दाल रोटी का इंतजाम तो दूर, आप बनाने में भी हमारी मदद नहीं करते। सिगरेट शराब हमारी पी लेते हैं, ऊपर से हमारा ही सर पे। ए मुकेश, बस चढ़ गई है तुझे। बोलने दे गोपाल, आज शायद मेरा सच का सामना करने का दिन है। बिल्कुल है, मैं उस टुच्चे से कास्टिंग डायरेक्टर की मिन्नतें करके आपके लिए एक रोल लेके आया, और आप मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं। कोई रोल आपके गले उतरता ही नहीं है। औरों की तरह मैंने भी सिर्फ आपके किस्से सुने हैं धरती फाड़ एक्टिंग के, कुछ करते हुए देखा नहीं मैंने। जानते मेरा वो टुच्चा सा बॉस क्या बोल रहा था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब इसके आगे एक शब्द भी कहा मुकेश तो मेरा हाथ उठ जाएगा। गोपाल, आए तो आप भी यहाँ पे अमिताभ और शाहरुख का लोड शेयर करने ही थे। हमें तो टाइम पे अकल आ गए, पर आप तो हालात से समझौता करने के मूड में ही नहीं दिख रहे। जिस रोल का आपको इंतजार है ना, उसके लिए आपको अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब हम तो आपको लॉन्च कर नहीं सकते, टुच्चे छर रहे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अच्छा है। मेरे प्लेन का इंतजाम हो गया नायक साहब। प्लेन लेकर जाओगे कहाँ? रघुवीर सहाय, गोपाल और मुकेश दोनों खड़े हैं इस वक्त मेरे सामने, बात करोगे? नहीं सर, अब तो एयरपोर्ट पे ही गुड बाय कहूंगा सबको। देखो रघु, ये तुम्हारी फिल्मों का सेट नहीं है, तुम इस वक्त शायद होश में नहीं हो। ये जो तुम कर रहे हो इसका अंजाम जानते हो? जानता हूँ सर, अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर भी शोहरत का इतना नशा, वो उस शोहरत के लिए जो शायद 2 या 3 दिन में गायब हो जाएगी। नहीं सर, नहीं, आज जो मैं करूँगा उसके बाद रघु को भुलाना इतना आसान नहीं होगा। सालों इंतजार करता रहा मैं, पर कुछ नहीं बना। आज मैं छीनूंगा, और सारा इंडिया सिर्फ मुझे देखेगा और सुनेगा। मैटनी से लेकर लेट शो सिर्फ रघुवीर सहाय का होगा। आप लोग जा सकते हैं। लेकिन सर वो, प्लीज प्लीज सर, एक बार मुझे बात करने दीजिए। बात करने को रही क्या गया गोपाल? चलो न
नायक साहब आपके पास एक घंटा है। तुम्हें एक घंटे के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है रघु। क्या मतलब? मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे और एयरपोर्ट पहुंचते ही सरेंडर कर दोगे। और मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? क्योंकि मैं इस बात का इंतजाम करवाऊंगा कि आज सारा देश रघुवीर सहाय को ही देखेगा और सुनेगा। मीडिया को बुलाना इमरान। मुंबई में बिछी शतरंज, एसीपी नायक की मीडिया के साथ गोपनीय बैठक, दो घंटे में हॉस्टेज क्राइसिस को सुलझाने का दावा। आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो अब एसीपी नायक रघुवीर पर छोड़ेंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम चेकमेट। और जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, एक्सक्यूज मी, बोलो रघु। नायक साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वेल डन रघु, बाहर सब इंतजाम होते ही कॉल करता हूं। ओके, शूज ऑन ले लीजिए। मैं जी, मैं शर्मा शर्मा, आप हमारे दर्शकों से जवाब चाहिए। आपने भी औरों की तरह धोखा ही दिया ना सर। धोखा मैंने नहीं दिया है, धोखा तुमने दिया है अपने आप को। तुम्हें एक्टर बनना था तो एक्टिंग करते, अगर तुम्हें तो बनना था सुपरस्टार, मैंने तो तुम्हें वही दिया है जो तुम्हें चाहिए था। आज जंगल में मोर नाचा भी और सबने देखा भी। आया तो मैं भी एक्टर बनना ही था सर, पर क्या करें, यहां जो दिखता है वही बिकता है।